A very warm good morning to all of you. बज रहे हैं सुबह के 4:30। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS by Exampur के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। आप सभी का बहुत स्वागत है करंट अफेयर न्यूज इन शॉर्ट के सेशन में मेरे साथ संस्कृति के साथ। चलिए तो इससे पहले कि हम अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाएं और बात करें अभी अभी जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास हुआ है उसके बारे में और कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी मैं आपको, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करें इससे पहले, अगर आप अपने ISPCS बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो उस सपने को सार्थक करने के लिए एग्जाम्पल लेकर के आ रहा है सार्थक एक नई शुरुआत। अब जानने के लिए कि ये सार्थक है क्या और क्या कैसे, जुड़ना ना भूले हमसे, जुड़ना ना भूले एग्जामपुर से 28 नवंबर इसी रविवार को सुबह 9 बजे 28 नवंबर सुबह 9 बजे ISPCS by Exampur के YouTube चैनल पर। चलिए अब आते हैं हमारे मुद्दे पे, टॉपिक पे। नाम मेरा संस्कृति है, पॉलिटी पढ़ाती हूँ, अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर की क्लास ले रही हूँ, 4:30 AM वाली ले रही हूँ जो की क्लास अभी आप देख रहे हैं, और 8:30 AM पर भी क्लास लेती हूँ, उसको मैं पढ़ाती हूँ लाइव, ठीक है। चलिए तो आपके करंट अफेयर की क्लासेस का वो रहा टाइमिंग, नोट कर लीजिए। ये फुटेज है केवल और केवल डिस्प्ले के लिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। सुबह सुबह से ज्यादा डेटा बताने से मजा नहीं आता, वैसे ही नींद आती रहती है, वैसे ही ठंड है, तो थोड़ा फोटो शोटो देख लीजिए। अगर कोई बात नहीं, आप जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास में नहीं जा पाए, मैं आपके लिए फोटोज यहीं पर लेकर के आ गई हूँ। चलिए ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने शिलान्यास किया है जेवर एयरपोर्ट का। अब जेवर एयरपोर्ट है कहाँ, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, जेवर एयरपोर्ट बनेगा नोएडा में, ठीक है ना। मतलब नोएडा को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है जिसका क्या नाम होगा, जेवर एयरपोर्ट होगा, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये। और आसपास की जितनी भी जगह है, नोएडा के आसपास जितनी भी जगह लगती है ना, जैसे अलीगढ़ वगैरह लगती है, नोएडा के लोगों के लिए तो है ही ऑफ कोर्स ये एयरपोर्ट, लेकिन आसपास के जितने भी लोग हैं उनको कम्यूट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब एक और बात, ये जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास हुआ है, ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, न्यूज में भी ऐसे ही लिखा है। ये मत समझ लीजिएगा कि ये एयरपोर्ट चालू हो गया, पता चले आप दिल्ली में है और गुड़गांव पहुंच जाए इंदिरा गांधी वाले एयरपोर्ट पे और फिर ढूंढते रहे कि जेवर एयरपोर्ट जाना था, है ना, या नोएडा पहुंच जाए और बोले कि अरे हमको तो जेवर एयरपोर्ट जाना था। तो अभी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास बस हुआ है, फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, ठीक है, अब इस पे कंस्ट्रक्शन होगा, काम होगा, एज ऑफ नाउ के लिए केवल फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। पर सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन बात ये देखिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। ये प्रोटोटाइप है कि किस तरीके से सारी चीजें दिखेंगी बनने के बाद, जो डिजिटली आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, डिजिटली भी सारी चीजें डिजाइन करते हैं, है ना। आपको लगता होगा कि शायद हाथ से मैप वैप बनते हैं, नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो 3D मॉडल बनाते हैं और कैसे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे सारी चीजें दिखा देंगे कि देखिए इस तरीके से ये सारी चीजें दिखेंगी जब बन जाएंगी तब, ठीक है। तो उसी सारे मॉडल को, प्रोटोटाइप को, सारी चीजों का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये तो मुझे भी पता है कि आपको पता है कि नोएडा में जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है जिसका शिलान्यास हुआ है, उसका नाम जेवर एयरपोर्ट है। फैक्ट की बात यह है कि उत्तर प्रदेश भारत का वो पहला राज्य बन गया, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पे, उत्तर प्रदेश भारत का वो पहला राज्य बना है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, फिर से बोल देती हूँ, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसके पास 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। कौन कौन से लिख लीजिए, सबसे पहले लखनऊ, बनारस, ठीक है, प्रयागराज, सॉरी अयोध्या, धोखे से निकल गया, सॉरी, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर और अब जेवर। तो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, इंडियाज
फर्स्ट स्टेट टू हैव फाइव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन से? लखनऊ, इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर आप स्टेट का एग्जाम देने जाएंगे तो भी ये नाम आपको याद रखने हैं, और अगर आप यूपीएससी देने जाएंगे तो भी ये नाम याद रखेगा, ठीक है। लखनऊ हो गया, कुशीनगर हो गया, ठीक है, अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, अब जेवर भी हो जाएगा, ठीक है, पांच। अब अगर अभी देखें उत्तर प्रदेश, ये पहले भारत का पहला राज्य जिसके पास चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, वो कौन था? केरला था, ठीक है, चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला, चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो राज्य था सबसे पहला भारत में, वो कौन था? केरल था, ठीक है ना। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि केरल में कौन कौन से चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है, ठीक है। तो अब केरल की जो पोजीशन थी कि भारत का एक ऐसा राज्य जिसके पास चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो उत्तर प्रदेश ने ले ली है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के पास क्या हो जाएंगे, पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न का जवाब, और साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। थोड़ी ही देर बाद सुबह 8:30 बजे कल मैंने स्टार्ट करवाया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा आया है, मेन हाईलाइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेटा थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है, समझाने में समय लगता है, तो कल क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई, इसीलिए उसका पार्ट 2 लेकर के आ रही हूँ। डेटा संबंधित, रिपोर्ट संबंधित मैं क्लासेस लाती रहती हूँ आपकी इन्हीं करंट अफेयर की क्लासेस में, तो थोड़ी ही देर बाद सुबह 8:30 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना मत भूलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और मैंने प्रॉपर स्लाइड्स बनाई हैं, बस आपको अपनी कॉपी में वो डेटा लिख लेना है, एंड यू आर ऑल सॉर्टेड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को लेकर के, और कहीं नहीं जाना कि PIB में जाकर के और 600 पन्ने की रिपोर्ट पढ़नी पड़े, ठीक है। अब अगर आप लोगों का मन हो तो एकदम आइएगा लाइव, और अगर नहीं है तो फिर आपकी ही आशा और आपकी ही इच्छा। चलिए, सुबह 9 बजे इस रविवार को 28 नवंबर को सार्थक एक नई शुरुआत। अगर आप बनना चाहते हैं ISPCS तो एग्जामपुर से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, एग्जामपुर आपकी मदद करने वाला है आपके सपनों को साकार और सार्थक करने में। जानने के लिए इस रविवार 28 नवंबर सुबह 9 बजे जरूर हमसे जुड़िए एग्जामपुर परिवार से, कहां पर? ISPCS by एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। चलिए मिलते हैं, आशा करती हूँ आप सभी से अभी थोड़ी देर बाद सुबह 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी, बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के बारे में। चलिए अपने दिन की बहुत बेहतरीन शुरुआत करिए, बहुत प्रोडक्टिव शुरुआत करिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ।